write down atmospheric pressure. Write down atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। एटीएम लिखा होता है। अगर 2 ATM मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 3 ATM मतलब 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, और इस कॉन्सेप्ट को मैं सबसे लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाता हूँ, हर एंगल पे ले लेके। इसको बैरोमीटर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और इसमें एक इनवर्टेड यू शेप ट्यूब क्या की जरूरी है, इस पे डिप करें। इनवर्टेड यू शेप ट्यूब, ध्यान सुनना क्या गया, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेड यू शेप ट्यूब, ठीक है। इसमें रीडिंग होती है मिलीमीटर में। और आपने क्या किया माय डियर, इसमें आपने मरकरी फिल कर दी। क्या फिल कर दी? अब मरकरी ही क्यों फिल की, मरकरी ही क्यों फिल की, ये भी क्वेश्चन है, अभी आपको बता दूं क्यों फिल की, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ऊपर से इसमें प्रेशर लगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, एटमॉस्फेयर से प्रेशर लगाया, तो जो ये मरकरी थी ये क्या हुई, इस ट्यूब में कितना ऊपर चली गई, 760 मिलीमीटर ऊपर तक क्या हो गई, इस पर हाइट में चढ़ गई। इसका मतलब जब आपने 1 ATM प्रेशर लगाया, जब आपने इस पर 1 ATM प्रेशर लगाया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस यू शेप ट्यूब में जो हमारी मरकरी थी कितना ऊपर तक चली गई, 760 मिलीमीटर एच जी तक चली गई। इसका मतलब क्या है कि 1 मिलीमीटर में क्या, सॉरी 1, जब हम 1 ATM प्रेशर लगाते हैं तो 1 ATM जो प्रेशर होता है किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर एचजी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर एचजी। अब मिलीमीटर में 760 है तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 76 सेंटीमीटर एचजी। मतलब अगर तुम्हें कभी भी प्रेशर, अगर कभी भी तुम्हें प्रेशर मिलीमीटर में दिया हो तो अगर एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो 760 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर कभी भी हमें प्रेशर मिलीमीटर में क्वेश्चन दिया है 20 मिलीमीटर एचजी, इसका मतलब वो क्या होती है, वो लेंथ नहीं होती कदे, वो क्या होती है, प्रेशर होता है, ध्यान रखना। अगर गैसेस के क्वेश्चन में कभी तुमको मिलीमीटर में दिया हो मिलीमीटर एचजी, ये साथ में लिखा होगा, ये ना लिखा हुआ तो ये प्रेशर नहीं होगा, ये साथ में लिखा है तो ये प्रेशर है, ठीक है, 760 मिलीमीटर एचजी। अच्छा, और क्या यूनिट होती है इसकी, और क्या होती है, दूसरी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 ATM में 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और क्या होता है 760 टॉर भी होता है, और क्या होता है बार भी होता है, इसका प्रेशर 1 bar। तो ये होता है आपस में कन्वर्जन, इसका प्रेशर की सभी यूनिट है और उनका आपस में कन्वर्जन है। जो हम ज्यादा यूज करेंगे वो एटीएम है। 1 ATM में कितने मिलीमीटर एचजी होते हैं, 760, कितने सेंटीमीटर, 76, कितने मीटर पर मीटर स्क्वायर, 1.01 × 10⁵, कितने टॉर, 760 टॉर, कितने बार, 1 bar, ठीक है। देखो ये होता है। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, बात ये आती है कि तुमने मरकरी को ही क्यों यूज किया, किसे क्यों यूज किया, रीजन क्या था इसको यूज करने का। तो भाई क्या होता है, जो मरकरी होती है हाई डेंसिटी लिक्विड होता है। कैसी होती है, हाई डेंसिटी का लिक्विड होता है। और ये जो ट्यूब होती है किसकी होती है, ग्लास की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो मरकरी होती है वो ग्लास पे चिपकती नहीं है, ये जो मरकरी होती है वो ग्लास पर चिपकती नहीं है, जिसकी वजह से हम किसका यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं। जब आपको फीवर आ जाता है तो आपको क्या करता है डॉक्टर, एक क्या देता है, थर्मोमीटर देता है, जिसको उसमें रीडिंग होती है, उसको आप जीभ के नीचे लगा दो तो आपका टेम्परेचर मेजर करता है। उसके अंदर लिक्विड क्या होता है, वो मरकरी ही होता है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसको कांच का होता है, उस पर क्या होता है, वो लिक्विड जो होता है उस पे तो चारों ओर चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं। कोई दूसरा लिक्विड ले लो, चिपक जाएगा उसमें, जब चिपकेगा तो वो चीज सही रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर की जो मेनली होती कौन कौन सी यूनिट होती है, टेम्परेचर की मेनली डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन में मैंने डिग्री नहीं लगा के ध्यान रखना, एंड केल्विन, ठीक है। तीन यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। ये तीनों हमारी मेन यूनिट होती हैं। इन सब में जो हमारी टेम्परेचर केल्विन होती है, केल्विन कौन सी यूनिट होती है इसकी, केल्विन इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। केल्विन कौन सी यूनिट होती है बेटा, केल्विन को हम एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट होती है। अब देखो होता क्या है, जनरली एक चीज ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा। आज के बाद एक चीज ये ध्यान रखना कि हमें जब भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें जब हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा तो सबसे पहला काम होगा कि हम उसे केल्विन में चेंज करेंगे। हम कभी भी क्वेश्चन को सेल्सियस में पुट अप नहीं करेंगे, हम हमेशा केल्विन में पहले चेंज करेंगे, फिर केल्विन में जो टेम्परेचर आएगा उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में है केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन इज इक्वल टू होता है जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो उसमें 273 क्या कर दो, ऐड कर दो, उसमें 273 क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो बेटा अगर हमें सेल्सियस में दिया है केल्विन में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगला होता है अगर हमें फॉरेनहाइट में दिया है केल्विन में सेल्सियस में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू 15 डिग्री, C/5 इक्वल टू F-32/9, C-5 इक्वल टू F-32/9। अगर आपको टेम्परेचर फॉरेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9, या कह सकते हो C इक्वल टू 5/9 इंटू F-32 कर दो तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। अब केल्विन में चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस में आ गया, केल्विन में चेंज कर सकते हो, नोट डाउन करो। देखो यहाँ से हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी तो खत्म हुई। अब हम बात करेंगे, सर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से गैस के लॉ दिए। जो गैस की जो मेन स्टेट है कौन कौन सी है, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स एंड वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, ये चार चीजें हैं। अब देखो तीन साइंटिस्ट आए, पहले थे आपके बॉयल्स, चार्ल्स एंड गेलुसेक। इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग गैस के मास को कांस्टेंट रख के और किसी एक डेटा को कांस्टेंट रखा है, एक स्टेट को कांस्टेंट रखा, चाहे प्रेशर को या टेम्परेचर को या वॉल्यूम को रख करके इन्होंने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग लॉ दिए, ठीक है। उन लॉज के बारे में हम अब स्टडी करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे गैस लॉ, हेडिंग डालेंगे गैस लॉ, गैस लॉ। अब हम डिटेल में गैस लॉ की बात करेंगे। गैस लॉ जो दिया था वो तीन साइंटिस्ट थे। सबसे पहले जो थे हमारे कौन थे भैया, मैं आपको पहले अलग से क्लासिफिकेशन करके टाइप बता रहा हूँ। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे माय डियर वो थे आपके बॉयल्स, इन्हें बोलते हैं बॉयल्स लॉ। दूसरे थे आपके चार्ल्स, चार्ल्स लॉ। और तीसरे थे आपके गैलुशेक, इन्हें बोलते हैं, इनका नाम है गैलुशेक लॉ, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, गैस का मास कांस्टेंट रखा, मतलब इन्होंने W ग्राम या M ग्राम की गैस ली, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, बॉयल्स ने जो अपना लॉ दिया था उस लॉ में इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। चार्ल्स ने क्या कांस्टेंट किया था माय डियर, चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट किया था, कांस्टेंट प्रेशर पर। और गैलुसेक ने क्या कांस्टेंट किया था, वॉल्यूम कांस्टेंट करके लॉ दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट किया, टेम्परेचर, चार्ल्स ने प्रेशर एंड गैलुसेक ने क्या कांस्टेंट किया, वॉल्यूम कांस्टेंट किया। याद रखना टीवी देख रहे थे पापा, टीवी के बीच में पी, टीवी के बीच में पी से याद रखना, और बॉयल, चार्ल्स और गैलुसेक को याद रखना। अब हम जो बात करने जा रहे हैं माय डियर, सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है हमारा बॉयल्स लॉ, वो है हमारा बॉयल्स लॉ। एक चीज हमेशा याद रखना, तीनों के लॉ में गैस का मास चेंज नहीं किया गया, गैस का मास कांस्टेंट रखा गया था, कांस्टेंट गैस के मास पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब इन्होंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में M ग्राम की गैस फिल कर दी, फिर इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीजों को कॉन्स्टेंट रख के लॉ दिया। तो सबसे पहला जो लॉ था वो माय डियर बेटा बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स ने बोला कि एट कांस्टेंट मास ऑफ गैस, एक चीज मैं बता दे रहा हूं यहां लिख दो, गैस का मास क्या है, फिक्स है, W ग्राम है, बस ये याद रखो, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। इन्होंने क्या किया बॉयल्स ने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सुनो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन्होंने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का प्रेशर होता है, जो भी गैस का प्रेशर होता है वो गैस के वॉल्यूम पे इन्वर्सली होता है। मतलब कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माय डियर वॉल्यूम ऑफ गैस के। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। आपने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, आपने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, उस सिलेंडर में आपने कैसा सिलेंडर लिया, पिस्टन वाला सिलेंडर, पिस्टन लगा हुआ। पिस्टन का मतलब क्या है, जिससे हम प्रेशर अप्लाई करके नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये तो आपका बॉटल है सिलेंडर वाला, आपने क्या किया, इसमें W ग्राम की क्या भर दी भैया, W ग्राम की गैस फिल कर दी, ठीक है। सुनना मेरी बात, ये हमारी W ग्राम की गैस है। अभी 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 कितने वॉल्यूम में गैस फैली है, मैक्सिमम वॉल्यूम में, देखो कितनी है, पूरा इतना वॉल्यूम में फैला है। अब आपने क्या किया, ऊपर से पी एटीएम, ऊपर से पी प्रेशर अप्लाई कर दिया। जब आपने पी प्रेशर अप्लाई किया तो अब ये पिस्टन खिसक के कहां आ गया, यहां आ गया। अब ये पिस्टन यहां आ गया तो अब गैस कितने एरिया में, कितने वॉल्यूम में आ गई, एक्सपी वॉल्यूम में आ गई। मतलब अभी इतने वॉल्यूम में थी, अब इतना वॉल्यूम हो गया, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या कर गया माय डियर, कम कर गया। कहने का मतलब है कि अगर आप गैस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब बॉयल्स ने बोला, क्लियरली सही बोला था कि एट कांस्टेंट मास की गैस है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब एक काम करो, प्रोपोर्शनल हटाओ, एक कांस्टेंट आएगा P is equal to K upon P। ये क्या है, कोई कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो जो K है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और कैपिटल T का मतलब केल्विन में होता है, ध्यान रखना। अब एक काम करो, PV is equal to K लिख दो, PV is equal to कांस्टेंट, K का मतलब कांस्टेंट। अब सुनना मेरी बात, अब मान लिया हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम टू है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। मान लिया स्टेट वन पर इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और स्टेट टू पर प्रेशर इसका P2 है, वॉल्यूम V2 है, दोनों का टेम्परेचर T है, कांस्टेंट है। तो आप क्या कह सकते हो माय डियर कि P1 V1 P2 V2 कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, जब PV बराबर कांस्टेंट है तो आप क्लियरली कह सकते हो माय डियर कि P1 V1 = क्या होगा, P2 V2 होगा। चलो यहां से हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, ये सेकंड मिल गई, ये। अब क्वेश्चन जो आएगा तो क्वेश्चन में हम कौन सी अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन के वाली अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर देगा और प्रेशर वॉल्यूम दे देगा, एक चीज पूछ लेगा, दूसरा प्रेशर वॉल्यूम पूछ लेगा, ठीक है, तो आप उसको अप्लाई करोगे। अब एक काम करो आइडिया, सेकंड इक्वेशन पर लॉग अप्लाई कर दो, लॉग ले लो। आपको एक नोट में लिखा दे रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी, कि लॉग ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग, लॉग ए इंटू बी का मतलब होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी का मतलब होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। लॉग ए की पावर एन का मतलब होता है एन लॉग ए होता है, ठीक है। अगर लॉग बेस में ई है और हमें 10 में चेंज करना है, लॉग एक्स बेस ई है, तो अगर लॉग के बेस में 10 लाना है तो 2.300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माय डियर, तो लॉग के बेस में 10 आ जाएगा। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी मेरे माय डियर याद रखना, ठीक है, बहुत जरूरी होंगी, अरे बहुत ज्यादा काम आएंगी हमारे। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब आप काम करो, इस पे लॉग, क्वेश्चन 2 पे लॉग ले लो, तो लॉग a इंटू बी करोगे, लॉग p प्लस लॉग g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग p प्लस लॉग v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब लॉग k। ठीक है, b उधर ले जाओ लॉग के साथ, तो लॉग p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का लॉग b प्लस लॉग का k हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई हमारी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? 3 हो गई। अब आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं इस पे बेस ग्राफ बनवाऊं और ग्राफ के क्वेश्चन लिखाऊं। तो जरा एक काम करो, सबसे पहला काम आपका गैस लॉ, इन तीनों को नोट करो, हेडिंग डालो बॉयल्स लॉ, जैसे डालना मुझे बताना, मैं इसका स्टेटमेंट बोलूंगा, फिर आप इसको प्रॉपर वे से नोट करोगे। मैं आपको बता दूं, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से चैप्टर करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं कभी आपसे नहीं बोलूंगा कि ये बुक करो जाके, जो मनो कर लेना। 95 से 99% क्वेश्चन बिना डाउट के सॉल्व होंगे, मेरा कमिटमेंट है आपसे। फटाक से नोट करो। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? राइट डाउन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस is inversely proportional to the volume of gas, ये इनका स्टेटमेंट। ओके बेटा, जल्दी से नोट करते हैं। देखो, सबसे पहला ग्राफ है, इसमें y इज इक्वल टू mx का, इसको नहीं पता वो लिख सकता है। पहला ग्राफ, ये y और x तो एक्सिस होते हैं, लेकिन जो m होता है वो स्लोप होता है और यहाँ m की जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है? tan थीटा होती है। कितनी होती है? tan थीटा होती है। अगर हमने माना ये y एक्सिस है और आपका ये x एक्सिस है, ठीक है बेटा, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, तो जो y बराबर mx का ग्राफ बनता है वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब आप यहां से कोई भी परपेंडिकुलर डालें, अगर मान लिया ये, ठीक है, इसको a मानो, इसको b मानो, तो tan थीटा m बराबर क्या होगा? स्लोप इक्वल टू tan थीटा dm, और ये थीटा एंगल है यहां से, तो क्या हो जाएगा? b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा और ये होता है b अपॉन a। ठीक है, अगला देखो, दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। अब यहां पर c ऐड हो गया, इस c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। देखो बेटा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ग्राफ कहां से पास होगा? यहां से पास होगा। अब थोड़ा ऊपर से ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? यहां से पास होता है ग्राफ, यही सी कहलाती है, यही इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, और ये होगा m इक्वल टू tan थीटा, यही होगा m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बेटा, नोट करो जरा, और इसके आगे आप मीटिंग द्वारा ज्वाइन करो। तीसरा ग्राफ है इसका, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। माइनस mx का मतलब हो गया माइनस का m, स्लोप नेगेटिव में। देखो भाई, ये कहां से पास करे? ये y है, ये x है, कैसे पास करेगा? इस तरीके से पास करेगा। ठीक है, क्या होगा? ये आपका ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। अब एंगल कैसा हो? ऑब्ट्यूज एंगल भी माइनस m है, m इक्वल टू क्या होगा? माइनस का tan थीटा। ठीक है, स्लोप, और ये आपका c हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा ग्राफ, y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ कैसा बनेगा? अब c नेगेटिव में तो कहां आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपका y है, ये आपका x है। ठीक है, अब ग्राफ कहां से पास करेगा? अब ग्राफ यहां से पास करेगा। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस होगी ये c कहलाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट होगी, क्योंकि ये c नेगेटिव में है, एंगल थीटा है, स्लोप अभी भी tan थीटा है। तो ये आपके 4 ग्राम ये हो गए, ये आपकी जिंदगी में बड़े काम आने वाले हैं। आप नोट करते हैं जो पहला ग्राफ ड्रॉ होगा वो होगा P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। फर्स्ट इक्वेशन देखो भाई, रिलेशन P और V में होगा। P वर्सेस V का ग्राफ क्या होगा, सॉरी V वर्सेस 1/V। दूसरा ग्राफ बनेगा P वर्सेस V का। तीसरा ग्राफ बनेगा log P वर्सेस log V का। ठीक है, 3 ग्राफ ये हो गए। अब देखो P वर्सेस 1/V। P को आपने y एक्सिस पर लेफ्ट कर लिया, 1/V पूरे को आपने एक्स पर कर लिया, ये आपका स्लोप हो गया। y अगर आप कहां से पास करेंगे तो यहां से पास करेंगे। अब लफड़ा होने वाला है। अब देखो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। P को आपने y पे लेट किया, अब तुमने 1/V को नहीं किया माइंड किया, तुमने केवल V को किया x को। तो ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होगा हाइपरबोलिक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या रिलेशन है, लॉग P इज इक्वल टू माइनस का लॉग V प्लस लॉग K। ठीक, लॉग P को आपने y एक्सिस पे रखा है, लॉग V को आपने x पे रखा है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, और ये माइनस का 1 क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। स्लोप कितना हुआ, इनकी वैल्यू माइनस का 1। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस C। ग्राफ कहां से पास करेगा, माइंड ये ग्राफ यहां से पास करेगा। ये जो डिस्टेंस होगी, ये इंटरसेप्ट कितना होगा, ये बेटा लॉग P होगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल थीटा है, तो m -1 है और -m tan थीटा होता है। इसका मतलब थीटा कितना डिग्री है बेटा, यहां से थीटा कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा। अभी रुक जाना, यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या होगा, K होगा, और स्लोप K जो है कांस्टेंट होता है और वो T पे डिपेंड करता है। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा एग्जाम पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आईआईटी में लगभग आता है, हर दूसरे साल आता है, तीसरे साल। P वर्सेस 1/V। ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ खींचा गया, ये T2 टेम्परेचर पर, और ये T3 टेम्परेचर पर। तो आपसे कह रहे हैं कि T1, T2, T3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। आपसे कह रहे हैं कि T1, T2, T3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। देखो ग्राफ का क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका तुम्हें बता दूं आज, आपको T1, T2, T3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, इसमें कौन ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ भाई, जो स्लोप K है वो K किस पे डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, दोनों भाई भाई। अब देखो क्या होगा, अब एक काम करो, ये स्लोप का मतलब क्या हो, फिसलना। अब इस ग्राफ पे बैठो, किस पे बैठो, इस पे बैठो, और बैठ के ये फील करो कि किस ग्राफ में बैठेंगे तो जल्दी से नीचे आ जाएंगे। इस वाले ग्राफ पे बैठो तो धड़धड़ाते हुए नीचे आ जाओगे बिना रुके हुए, इस वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वाले में और टाइम लगेगा। तो जिस ग्राफ पे बैठने से तुम जल्दी से नीचे आ जाओगे उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका K ज्यादा होगा, और जिसका K ज्यादा होगा T ज्यादा होगा। तो आंसर का क्या होगा, T1 T2 T3। जब भी तुम ग्राफ का क्वेश्चन कर रहा हो तो ग्राफ पे बैठ जाओ, और बैठ के ये फील कर लो कि इस ग्राफ पे बैठने से हम जल्दी से नीचे आ जाएंगे। तो क्या होगा भाई, आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठोगे तो नॉन स्टॉप नीचे आ जाओगे, तो तरीके से बस सेकेंडों नीचे आओगे। यहाँ थोड़ा वक्त लगेगा, यहाँ और वक्त लग जाएगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका T ज्यादा होता है, तो ऑर्डर क्या होगा, T1 T2 T3। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ये तो P वर्सेस V था, ये ग्राफ मान लिया T1 टेम्परेचर पर, ये वाला हमने T2 पे ले लिया, और ये वाला हमने T3 पे ले लिया। तो भाई आपसे कह रहे हैं कि T1, T2, T3 में ऑर्डर क्या होगा, मतलब T1, T2, T3 में सबसे ज्यादा कौन होगा। तो भाई चेक कर लो, इस ग्राफ पे बैठोगे तो तुरंत ही नीचे चले जाओगे बिना रुके हुए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें और टाइम लगेगा। ऑर्डर क्या होगा? T3 greater than T2 greater than T1। ग्राफ में बैठ जाओ बस, और कुछ नहीं करना। इसमें T1 जा रहा हूं, T1 T2 T3, T1 का स्लोप जा रहा हूं इस वाले। अब हम बात करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो भाई फर्स्ट सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखना है आपको, राइट डाउन। देखो एग्जांपल, देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे, P1 P2 प्रेशर की यूनिट सेम रखेंगे। ऐसा नहीं होगा P1 की यूनिट एटीएम में है, 1 मिलीमीटर रख रहे हो, नहीं, सेम यूनिट रखेंगे। दूसरी चीज वॉल्यूम यूनिट सेम रखेंगे, अगर लीटर तो 2 लीटर होंगे, एमएल तो दोनों एमएल होंगे, डेसीमीटर क्यूब तो दोनों डेसीमीटर क्यूब होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो दूसरा सेंटीमीटर क्यूब होगा, पर यूनिट डिफरेंट नहीं होंगी। क्वेश्चन देखो, 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट क्वेश्चन, 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 103 ml of carbon dioxide were collected at 27 degrees Celsius and 2 atm pressure and 2 atm pressure, what will be the volume? What will be the volume if the pressure is applied 4 एटीएम? अगर प्रेशर हम 4 एटीएम कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा? क्वेश्चन करने का तरीका है, जो जो क्वेश्चन में दिया हो पहले उससे लिख लो। आपको P1 दिया है बेटा 2 एटीएम, V1 दिया है आपको कितना एमएल दिया है, 103 एमएल दिया है, P2 आपको दिया है 4 एटीएम। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे सर प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम 103 से कम ही आएगा। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर नहीं चेंज किया, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा बॉयल्स लॉ लगेगा। भैया P1 से P2 बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा माय डियर। P2 कितना होगा? अप्लाई द फॉर्मूला बॉयल्स लॉ, P1 V1 = P2 V2, P1 V1 = P2 V2, P1 2 103 B24 into B2, तो B2 = कितना आएगा? दिस कैन कैंसिल, कितना आएगा? 51.5 ml आएगा। ये एक इजी क्वेश्चन था। A sample of gas, क्वेश्चन लिखना है, A sample of gas occupy 100 decimeter cube, occupy 100 decimeter cube at 1 atm and 27 डिग्री सेल्सियस। कोई गैस है सैंपल, कोई किसी गैस का सैंपल है, वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है 1 एटीएम प्रेशर पर और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आगे लिखो इसी में, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, if reduced to 5 decimeter cube, अब क्या हो जाए अगर वॉल्यूम गैस का हम 5 decimeter cube रिड्यूस कर देते हैं एट द सेम टेम्परेचर, at the same temperature, then calculate additional pressure, calculate additional pressure applied. कितना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया गया वॉल्यूम को कम करने के लिए, 1 एटीएम से कितना एक्स्ट्रा अप्लाई किया गया, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपको 2 मिनट देता हूं, क्वेश्चन करो जल्दी से। आपको क्या दिया है, V1 आपका कितना दिया, 100। V1 आपका दिया है 100 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। P1 दिया है 1 एटीएम। पहले आप P2 निकालो, यहां से कितना प्रेशर दिया गया, और V2 है आपका 5 डेसीमीटर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 = P2 V2 लग जाएगा, तो यहां से आ जाएगा P2 20, ठीक है, 20 एटीएम। भाई पहले 1 एटीएम था, अब 20 एटीएम, मतलब कितना एक्स्ट्रा दिया गया, एक्स्ट्रा कितना दिया गया भैया, कितना होगा 20 माइनस 1 = कितना आएगा 19 एटीएम प्रेशर क्या हुआ, एक्स्ट्रा अप्लाई किया गया गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए। ओके माय डियर, क्वेश्चन है, राइट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है, राइट डाउन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट constant temperature, if pressure is increased by, if pressure is increased by 1%, then percentage decrease in volume, then परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। आपसे कह रहा है कितना परसेंटेज वॉल्यूम में डिक्रीज करेगा। आपको 2 मिनट देता हूं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे लेट कर लो। P1 कितना है, P है, तो P2 कितना हो जाएगा 1%। P से कितना इंक्रीज कर रहा, 1%, 1/100 इंटू P। V1 कितना है, V, तो आपसे कह रहा V2 निकालो पहले यहां से, और जब V2 आ जाएगा तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा, V2/V1 इंटू 100, V2/V1 इंटू 100 इतना आपका परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। अब निकालो भाई, P1 V1 = P2 V2, तो P1 V1 = उसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 100 P/100 इंटू V2 आएगा, ठीक है। P से क्या हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, तो V2 यहाँ से कितना आएगा 100 P/101 आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालो, यहां से कितना आएगा, जब परसेंटेज निकालोगे डिक्रीज कितना आएगा, V2 रखो वहां पर 100 P/101, और V1 कितना लेट किया है, V से V कैंसिल हो गया, कितना परसेंटेज इंटू 100, तो कितना परसेंट आएगा 100/100 परसेंट डिक्रीज कर जाएगा।